हमें जो आवाम की जो उमंगें हैं, जो उनकी तर्जमानी है, वो करना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। और दूसरा, इख्तलाफ़ राय जमहूरियत है। इसमें कतन हमें ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि किसी ने आपके बारे में ये कहा, किसी ने आपके बारे में ये कहा। मकसद टू अचीव जो है वो आवाम को रिलीफ देना है, और आवाम को रिलीफ देने के लिए हम सब एक हैं। और इस आवाम के तकद्दस के लिए, इसकी डिग्निटी के लिए, इसके ऑनर के लिए इंशाल्लाह हम पूरी ताबिश से और हम खिदमत करेंगे। ये हमारे फ़राइज़ में है। और मुझे शिबली फराज साहब से मौका मिला मिलने का, आप बैठे हैं, तो उन्होंने एक मुझे शेर सुनाया। तो हालांकि नेशनल असेंबली में तो बहुत ज़ौक है, इधर मुझे शो किया जाता था कि यहाँ ज़्यादा एल्डरली लोग होते हैं, मगर मैं तो उलट देखा, यहाँ तो यंगस्टर ज़्यादा हैं, यहाँ तो नौजवान ज़्यादा हैं। और मुझे कहा जाता था, आई यूज़ टू से माइनॉरिटीज़ एंड वेमेन दे आर माई कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्योंकि वेमेन रिप्रेजेंट 51% ऑफ द पॉपुलेशन। और उसके लिए मेरा मौकफ इस ऐवान में भी यही है कि माइनॉरिटीज़ एंड वेमेन दे आर माई कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो शिबली फराज साहब ने एक शेर मुझे सुनाया, यूसुफ न थे मगर सरे बाजार आ गए, यूसुफ न थे मगर सरे बाजार आ गए, खुश फहमियाँ ये थीं कि खरीदार आ गए, आवाज़ देकर छुप गई हर बार जिंदगी, हम ऐसे सादा दिल थे कि हर बार आ गए, अब दिल में हौसला ना सकत बाजुओं में है कि अब के मुकाबले में मेरे यार आ गए, हम कज अदा चराग कि जब भी हवा चली, ताकों को छोड़कर सरे दीवार आ गए, सूरज की दोस्ती पे जिन्हें नाज था फराज, वो भी तो तेरे साया दीवार आ गए। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।